नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं तीन चार एयरबड का, और चारों ही एयरबड आज एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और बताएंगे किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल आइकन प्रेस कर देना। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग करने वाला M10 का, आप देख सकते हैं M10 का जो लुक है, इसकी पैकिंग भी बहुत ही गजब बना रखा है। इस पे जो है बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने फाइनल इसको ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक के ट्रे में जो है M10 का बॉक्स रखा, और इसके ऊपर पन्नी चढ़ा हुआ है कि इस पे स्क्रैच ना पड़े। इसको यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं M10 में चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, ये USB पॉइंट दे रखा है। USB पॉइंट होता है, यहाँ से आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। ये पावर बैंक वाला ईयरबड होता है। इसको ओपन करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो, इसको ओपन करते हैं इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करता है, अब इसमें 0% है। तो रखता हूँ साइड में। दोस्तों अब बारी T2 की है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पे भी लेमिनेशन चढ़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर का जो बॉडी होता है क्रिस्टल में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो दोस्तों मैंने T2 ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं सेम M10 की तरह इसकी भी बॉडी बनाई गई। T2 में ऑन ऑफ करने के लिए बटन होती है, और M10 में फिंगरप्रिंट होता है। इसमें फर्क सिर्फ डिजाइन का है, T2 का बनावट जो है M10 से थोड़ा सा छोटा है, और इसमें बटन से ऑन ऑफ होता है और M10 में फिंगरप्रिंट से ऑन ऑफ होता है। तो दोस्तों अब मैं ओपन करता हूँ T18 को। दोस्तों आप देख सकते हैं T18 का बॉक्स है। दोस्तों मैंने T18 ओपन कर लिया, इसको भी रखता हूँ साइड में। दोस्तों आप देख सकते हैं M10 की तरह और T2 की तरह T18 भी सेम डिजाइन में बना हुआ है, बस फर्क इसमें सिर्फ इतना है इसकी जो है चार्जिंग केस होती है इसकी छोटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा जो डिस्प्ले बना हुआ है, यहाँ पे T18 का बैटरी परसेंटेज शो करता है। ये दोनों जो है पावर बैंक वाली है, इससे आप फोन भी चार्ज कर सकते हैं, और T18 से आप फोन चार्ज नहीं कर सकते। इसमें USB पॉइंट नहीं होता, इसमें सिर्फ चार्जिंग पॉइंट होता है। इसकी बैटरी बैकअप जो इस दोनों से इसकी बैटरी बैकअप ज़्यादा चलती है। दोस्तों अब बारी आई है क्रोबल की, मैं क्रोबल की भी ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं क्रोबल की एयरबोर्ड, इसकी बनावट जो है इन तीनों से थोड़ा सा हटके है, और यहाँ पे क्रोबल का प्रिंट लगा हुआ है, और इसमें जो है चार्जिंग पॉइंट होती है, ये भी पावर बैंक वाला नहीं होता। इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो मॉडल है, इन तीनों से बहुत अलग बना हुआ, और इन तीनों एयरबोर्डों से बहुत खूबसूरत लग रहा देखने में भी। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूँ, CBA20 में भी पावर बैंक नहीं होता। T18 की तरह इसका भी सेम डिज़ाइन है, इस पर भी पावर बैंक नहीं होता, इसमें आप फोन चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन इन तीनों से इसकी बैटरी बैकअप सबसे ज़्यादा चलती है। इसकी बैटरी बैकअप कम से कम 12 घंटा आप आराम से बजा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं सबके प्राइस पे। दोस्तों ये M10 का एयरबड है, इसका प्राइस 350 रुपये है। 350 में किसी भी रिटेल दुकान पर आप जाके खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये है T2, इसका रेट जो है 450 रुपये होता है, इसको भी किसी रिटेल दुकान पर जाके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये है T18, इसका रेट इन दोनों से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप इन दोनों से ज़्यादा चलती है। अगर इनकी 4 घंटा चलेगी तो इसकी 10 घंटा निकाल देगी। तो दोस्तों इसका रेट 750 रुपये होता है, इसका रखता है साइड में। तो दोस्तों ये है क्रोबल का एयरबड, आप देख सकते हैं इसका रेट जो है 900 रुपये होता है। इसकी बैटरी बैकअप कंटिन्यू 10 घंटे निकाल देगी। उसकी साउंड क्वालिटी इन तीनों से बहुत ही बेहतरीन होती है, और इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छी होती है। अगर आप इससे बात करेंगे किसी भीड़ भाड़ में, तो आपकी आवाज़ आपके कॉलर को बिल्कुल क्लियर जाएगी, भीड़ भाड़ की आवाज़ नहीं जाएगी। इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन भी होती है, इसलिए इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसकी लुक जो है इन तीनों से थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।